इसका मतलब आप तो बिना मारे ही हमको मार रहे हैं। हम लोगों की जिंदगी एक ठहर सी गई। 25,000 कुलियों को ग्रुप डी में प्रमोट किया जाए। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये गाना आपने कुली पिक्चर में सुना होगा, लेकिन हकीकत क्या है कुलियों की ये जानने हम पहुँचे हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और बात करते हैं इनसे, क्या है इनके जीवन में जो है समस्या आती हैं, किस तरह की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। जी, जिस तरह से कोरोना काल आया उसके बाद से क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में आई हैं? सर, कोरोना काल में पहले तो ऐसा लगा था कि ये कुछ ही दिन के लिए कोरोना काल है जिसमें हम लोग संभल जाएंगे, मगर ये धीरे धीरे जब लॉकडाउन बढ़ता गया हम लोगों की ज़िंदगी एक ठहर सी गई। ना तो रेलवे डिपार्टमेंट, ना राज डिपार्टमेंट, ना किसी ने भी हमारी मदद के लिए आगे आए। हम लोगों ने आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए न्यूज़ पेपरों में खबर लगवाई थी, तो जो पैसेंजर हमसे सामान उठवाते थे उन लोगों ने हमारी न्यूज पढ़ी तो वो लोग हमारे आगे आए। हाँ, इसी बीच में हमारे स्टेशन मास्टर, CMI साहब, डायरेक्टर साहब, ये भी हमारे आगे आए, मगर वो रेलवे डिपार्टमेंट से कुछ राहत सामग्री दिला पाए, मगर जो फाइनेंशियली सहायता थी उसमें वो लोग कुछ नहीं कर पाए। मगर जिस हिसाब से जो आम पैसेंजर आते थे उन्होंने हमें राशन दिया, चाहे वो 10 किलो दिया, जिसने 20 किलो दिया, उस लोग उनके जरिए हम लोगों का जो थोड़ा बहुत राशन पानी का जरिया ज़िंदगी थोड़ी आगे चलती रही। इसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ट्रेनें बंद हुई, हम लोग बिल्कुल खाली हो गए, हम लोग बिल्कुल निराश स्थिति में बैठ गए थे। इसके बाद में जब हमने रेल मंत्रालय से या DRM ऑफिस में हमने लेटरें फॉरवर्ड करी थी कि जी हमारी फाइनेंस मदद की जाए, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम एक दिन DRM साहब से भी मिले थे, DRM साहब ने बोला था कि हम फाइनेंशली उसमें तो आपको कुछ नहीं बोल सकते, मगर हाँ इतना कर सकते हैं कि किसान आंदोलन करके चंडीगढ़ में ट्रेनें नहीं आ रही, अम्बाला शिफ्ट कर देंगे। अम्बाला 8 ट्रेनें आ रही थी और 250 कुली अम्बाला में था। मैंने कही जी अगर हम लोग अम्बाला गए तो 200 रुपये हमारा खर्चा है और 200 रुपये खर्चे आने पर हम 50 रुपये कमाएँगे, तो हमें उन लोगों का भी देखना पड़ेगा जो अम्बाला स्टेशन पर कुली हैं, तो हमारा कहाँ से हो पाएगा जब उन्हीं लोगों का नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में ट्रेनें चल जाएंगे। ट्रेनें तो कुछ चली थीं, मगर उसके बाद में कोई राहत नहीं मिल रही। 200-300 रुपये हम दिहाड़ी में ले जाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन हम ड्यूटी करते हैं और इस तरह से हमारा गुजर बसर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात रेल ये कि स्कीम और लेके आई है पैसेंजरों के लिए, जो डोर टू डोर जो पैसेंजर के घर से डिब्बे तक पहुंचाएगी, वो प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है ये सारा कुछ। इससे कुलियों की सारी जो भी कमाई होती थी 100, 200, 500 रुपया वो मारी जाएगी। और अगर रेलवे अगर एम्प्लॉय को लुभाने के लिए स्कीमें लेके आ रही है तो लेके आए, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, मगर इसमें हमें या तो कोई रेलवे ग्रुप डी या कोई डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोट किया जाए जिससे हम लोगों की बची हुई ज़िंदगी थोड़ी आराम से कट सकें। आज चंडीगढ़ शहर के अंदर हम लोग अगर 10,000-8,000 में हम लोगों का खर्चा नहीं चल पाएगा परिवार के साथ में, और अगर 20-25 हज़ार रुपये की अगर प्रमोट करके हमें कोई डिपार्टमेंट में प्रमोट करके नौकरी दी जाए तो जिससे हमारा जो आगे का जीवन है वो सफल गुजर हो जाए। कोरोना की मार तो आप झेल ही रहे थे, जिस उसके बाद किसान आंदोलन भी आ गया, तो अब जो है कोरोना की मार के बाद अब किसान आंदोलन की मार पड़ी है कुलियों के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो चाहता हूँ कि किसान आंदोलन ख़त्म होना चाहिए और सरकार को उनकी बातों को मान लेना चाहिए, इसलिए कि जब तक वो सरकार बातें नहीं मानेगी, और सरकार एक दे रही है ना कि ट्रेन है किसान आंदोलन के चलते नहीं चल रहा है, ठीक है, तो जो कुली भाई हैं वो तो भूखे मर रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद में देखो स्टेशनों पर लिफ्ट लग गया, एस्केलेटर लग गया, डिस्प्ले बोर्ड लग गया, अब ये बताओ कि कुली क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? कोई भी ट्रॉली बैग आ ही गया, और दूसरा स्कीम आपने बोले डोर टू डोर है, तो वो स्कीम जो है उस स्कीम से कुलियों को तो और रोजी रोटी मारा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि 68 डिवीज़न में इतने कुली नहीं है, लमसम 25,000 कुली है। मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि ये 25,000 कुलियों को ग्रुप डी में प्रमोट किया जाए, अब बाकी आपको सरकार को जो करना है करें। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे अभी?
आप अभी बात कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। हम कह रहे थे जी कि मतलब अपना लॉकडाउन से हम लोग इतने परेशान हैं कि आज तक भी मतलब पूरे एक साल हो गए मार्च में कि हमारा मकान मालिक अभी भी कमरा खाली करने के लिए बहुत उतावला हो रखा है कि अभी पीछे का पैसा नहीं दिए, अभी हम तुमको कितने दिन तक रखे यहाँ, जबकि दो चार गाड़ियाँ चल रही है, 100-200 रुपये कमा रहे हैं, उसमें हम बच्चे पाले, स्कूल वाले अलग फीस मांग रहे हैं, बच्चे के किताब खरीदना है, बच्चे का पेंसिल खरीदना है, हर चीज़ खरीदना है, 250 रुपये में हम क्या गुजारा कर सकते हैं। मकान मालिक अलग तंग कर रहा है कि नहीं नहीं कमरा खाली करना है, तो मतलब कि तो सरकार की तरफ से आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए क्या कदम उठाए जिससे आप लोगों की जो स्थिति में सुधार आए? देखो सरकार तो जनता की चुनी हुई है और जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। लॉकडाउन में हमें एक रुपया तक सरकार की तरफ से नहीं मिली, रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से एक रुपया तक नहीं मिला। आप बताओ हम 9-10 महीने घर पर बैठे रहे और इतने कुछ बुजुर्ग कुली है जो कहीं काम भी नहीं कर सकते। आप अगर लॉकडाउन में तो पहले भी काम नहीं था, कहीं काम ढूंढने के लिए जाओ तो भी नहीं मिलता था कि नहीं भाई आप तो कर नहीं सकते हो, यहाँ पे काम ही नहीं है, तो क्या करे बंदा। तो लोग किसी तरह से वो दुख को झेला और जैसे राशन पानी हो गया, लाले से उधार बाकी ले लिया, कहें चल भाई अगले बार हमारा काम चल जाएगा तो दे देंगे। तो काम क्या चलना, काम भी वैसी को वैसी है, अब उसको पैसे देने में हमें दिक्कत हो रही है। जब दूसरे भाई ने बताया कि क्वार्टर किराया देने के लिए, ये तो सबके ऊपर है, इनको भी देना, मेरे को भी देना है, सारे को ही देना है। ये तो हम तो ऐसे दुख की पहाड़ी टूटी पर ही है हमारे ऊपर, कुलियों के ऊपर, हर एक जगह कुली की बात कर रहा हूँ मैं, कोई अपना नहीं बात कर रहा हूँ, हर एक स्टेशन पे कुली भाई है, हर एक स्टेशन पे कुलियों की ये स्थिति हो गई कि उधार बाकी लेकर के राशन के पास कितने तो लोगों, मैंने क्या कहूँ मैं आपसे, कितने तो जनानियाँ की जो गहने होते हैं उसको गिरवी रख करके खाना खाया। अभी देखो ये क्या दुख की पहाड़, कम से कम गवर्नमेंट के बारे में ये भी सोचना चाहिए कि हर एक को 500, मान लो कि किसी को 500, किसी को 1000, सबके लिए बजट आया था ना देने के लिए, लेकिन कुलियों के लिए एक रुपया तक नहीं आया कि हाँ भाई उनको कुछ हेल्प किया जाए, कम से कम ये हेल्प तो करना चाहिए। ठीक है भाई, हमारे जनता का चुना हुआ सरकार था, सरकार तो कहती है कि गरीबी हम सबका साथ सबका विकास, तो हमारे साथ भी तो होना चाहिए था ना, हमारा भी विकास होना चाहिए था। अगर मान लो कि हमें 1000 रुपये मिल जाता, कम से कम ये तो हमें संतुष्ट होता कि चल कम से कम गवर्नमेंट ने हमें ये देखा कि यार लाल वर्दी भाई कुली भाई बैठे हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, कम से कम 1000 रुपये का तो कुछ ना कुछ तो दे सकता, 1000 रुपये दे देता, तब ये बात हमें कहने की नौबत नहीं आती ना आपके साथ, जो आज मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। आपने बताया था बीच में कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, सरकार कर रही है, उसके बीच में जो है सरकार कुली उन्होंने कई स्टेशनों पर विरोध भी किया था, उसके बारे में बताइए। देखो आप, सर ऐसा है कि पहले नागपुर में प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, जो डोर टू डोर सामान लाने के लिए आपके घर से सामान लेकर आएंगे और उन्हीं के बंदा सामान लेकर बैठाएंगे, तो नागपुर में कुली ने स्ट्राइक की और कुछ अफसर लोगों से मिला तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे तो रोक दी गई, लेकिन अहमदाबाद और पटना में चालू हो गया और हर एक स्टेशन पे चालू होना है। ठीक है सर, तो इससे तो कुलियों के तो और रोजी मारे जा रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि कुलियों के हम तो कुलियों को इनकम बढ़ाने के बारे में हम सोच रहे हैं, कुलियों को उसमें क्या इनकम हो जाएगा सर बताओ आप, कुलियों को किस बेज पे इनकम होगा? मान लो कि दूर टू दूर तो सामान लेकर वो आएगा और चढ़ाने वाला के चढ़ाएगा तो उसमें हमारा क्या इनकम होगा? आप ये कह रहे हैं कि एक तरह सरकार नौकरियां खा रही है एक तरह से कुलियों की भी। सरकार देखो सर, अब जब हमारी भर्ती हुई थी किस बेज पे भर्ती हुई थी, ये 7 मिनट में 1600 नहीं लमसम 150 किलोमीटर दौड़ना था, दौड़कर पास करने के बाद में फिजिकली 1.5 किलोमीटर दौड़ना था। वो दौड़ने के बाद में जितनी भी सरकारी जैसे सरकारी के काम होता है उसी तरीके से हमारा उसमें भर्ती हुआ था। ठीक है, और उस भर्ती के बाद भी सरकार हमें अपना अभिन्न अंग नहीं मांग रही है, जब से रेल चला तब से कुली है सर, कोई नई बात नहीं, आप भी जानते हैं जब से रेल चला है तब से ही कुली है। अब कुली भाई को अगर हटाया जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है सर, कम से कम देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट को चुनी हम ही लोग का, हम ही जानता आम जनता की चुनी हुई सरकारें हैं और सरकार को कम से कम कुलियों के ऊपर देखना चाहिए। और माननीय रेल मंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम और कुछ नहीं किए, जो हो बीत गया जो बीत गया, कम से कम ये तो कर सकते हो आप कि कुलियों को कहीं प्रमोट तो कर सकते हो।
ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुलियों की भर्ती तो एक तरह से सरकारी नौकरी की तरह होती है, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं मिलती। सर, ये जो कुलियों का भर्ती प्रोसीजर है, ये सेम पुलिस की भर्ती प्रोसीजर है। इसमें सिर्फ एक रिटन टेस्ट नहीं है, बाकी फिजिकल, वेट, ये सारा कुछ जैसे एक सरकारी प्रोसेस होता है उसी के जरिए ये कुलियों की भर्ती होती है। बस इसमें एक रिटन टेस्ट नहीं होता, और इसके बाद में कुली अपने स्टेशन पे ड्यूटी लेटर लेके आ जाते हैं और वर्किंग चालू कर देते हैं। उसके बाद सरकार से कोई भी फाइनेंशली मदद नहीं होती, ना फाइनेंस से संबंधित जितने भी हमें फैसिलिटी हैं वो दी जाती हैं, जैसे पीएफ हो गया, क्वार्टर हो गया, या बच्चों का स्कूल हो गया, ये इस तरह की कोई भी फैसिलिटी हमें दी नहीं जाती। बस सिर्फ यही है कि पैसेंजर का हमने सामान उठाना और पैसेंजर से ही हमने पैसा पाना, सिर्फ यही स्कीम रह गई है। आगे जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हम नहीं बोलते कि ये प्राइवेटाइजेशन रोक दें, करें। और जो पैसेंजर को लुवाने के लिए जितनी भी फैसिलिटियाँ दी जाएँ दे रेल, मगर जो कुली एट प्रेजेंट में हैं उन लोगों को रेलवे के अंदर प्रमोट करके ग्रुप डी, एक सबसे लो पोस्ट है ग्रुप डी की, उसमें प्रमोट करें, जिससे इनका अभी आगे गुजारा अच्छी तरीके से चल सके। दूसरी बात यह भी है कि अभी मेरे भाई ने बताया था कि लॉकडाउन में हम लोग इतनी परिस्थिति में डाउन चले गए थे कि हम बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहे, कमरे का किराया नहीं दे पा रहे, यहाँ तक कि हमने हमारी जो लेडीज़ थी उनके भी गहने गिरवी रख रख के हमने हमारा घर का गुजारा चलाया था। अब उन गहनों को छुड़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, वो गहना हमारा डूब रहा है, बच्चों के स्कूल छूट रहे हैं, मकान मालिक घर से निकाल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को देखते हुए कम से कम हम लोगों के बारे में सोचे। एक सिर्फ ग्रुप डी ही मांग रहे हैं हम आगे की पोस्ट नहीं मांग रहे हैं। हमारे जो भी नए नौजवान अभी आए हुए हैं, इनमें कोई पढ़े लिखे भी हैं, उनको उनके काबिलियत के हिसाब से पोस्ट दी जाए। अगर पोस्ट उनके काबिलियत के हिसाब से ना दी जाए तो कम से कम ग्रुप डी, ये हमारे ऑल इंडिया रेलवे के जितने भी कुली हैं उनकी सभी की मांग है, और अगर सरकार हमारी ये मांग पूरी कर देती है तो हम उसका बहुत बहुत आभारी रहेंगे, और इससे ज़्यादा हमें खुशी और कुछ नहीं मिलेगी। बस बार बार प्रार्थना यही कर रहे हैं कि आप हमें रोज कमाने और खाने वाले हैं, किसी किसी दिन भूखे भी रहना पड़ता होगा, अगर कोई जिस तरह आपका काम नहीं हो पाता होगा, तो आपकी इतनी उम्र होगी, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ देखा अब तक? जी हमने क्या देखा जी, पहले तो हमारा काम सब ठीक चल रहा था, जब से ये लॉकडाउन हुआ जब इसे ये अर्थव्यवस्था सारी बेकार हो गई। इसमें अगर पैसा कोई कमाएंगे तभी खाएंगे, ये बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो यही बात कहूँगा, गुजारिश यही है कि जो अपना है प्राइवेट जो 2x2 डोर वाले जो चालू कर रहे हैं रेल मंत्री साहब, तो मतलब ये अपना चालू करें, लेकिन हमारे बारे में ही ख्याल रखें, कुछ ना कुछ हमारे बारे में भी सोचे। आज तक तो चलिए नहीं सोचे लॉकडाउन में, लेकिन अब से भी मतलब अगर जो हमारा अगर जो उठने का भी मौका आया, अपने जो गहने चाहे मान के लिए मकान का किराया चाहे जो भी मर्जी, अब हम लोग कमा के देने लायक भी हो ट्रेन चालू हो तो, लेकिन अब फिर उल्टा दूसरा समस्या जो खड़ा हो रहा है ये समस्या खड़ा ना करे। तो ये थे कुली जिन्होंने अपनी जीवन की समस्या। हाँ जी सर, हमें जो लॉकडाउन के बीच में जितनी भी फाइनेंशली और राशन से संबंधित जितनी भी सहायता की थी, ये हमारे एक रोटरी क्लब थी सबसे पहले, दूसरे नंबर पे थी महिला रेलवे आयोग, ये महिला समिति है रेलवे की, उन्होंने मदद की थी। इसके बाद में महिंद्रा टेक कंपनी, इन्होंने और भी जैसे एडवोकेट थे या कोई जैसे शहर के माने हुए आदमी थे, उन्होंने कह रहे हैं प्राइवेट जितनी भी संस्थाएं थी जो लोग थे उन्होंने मदद की, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की थी। लॉकडाउन के अंदर राज्य सरकार ने अपने अपने मजदूरों के लिए कुछ पैसे फिक्स किए थे कि 15,000 रुपये पर महीना उनको दिए जाएगा, जैसे दिल्ली सरकार ने दिया, पंजाब सरकार ने दिया, राजस्थान सरकार ने दिया, मगर हम लोगों ने जब रेलवे की
से डिमांड की थी तो रेलवे ने बोला था कि हमारी तरफ से कोई राहत कोष नहीं है आपके लिए, और राज्य सरकार से मांगो तो राज्य सरकार के पास गए थे तो वो बोलते तुम हमारी गिनती में नहीं आते, आप केंद्र सरकार के अंडर आते हो, तो हमें कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग जाएँ तो जाएँ किसकी तरफ? अगर ऐसे ही सरकार चलती रही और ऐसे ही हमारे साथ में बर्ताव करती रही इसके बाद, तो फिर उनसे सरकार से अच्छा है तो हमारे वो प्राइवेट जो पब्लिक है जो पैसेंजर जिनका सामान उठाते हैं उनसे अच्छा तो वो हैं हमारे लिए, जिन्होंने हमारे वक्त पर आके हमें हमारे बच्चों सहित उनको संभाला, उन्होंने फाइनेंशली भी मदद की, दिवाली पर मिठाइयाँ भी दी थी, और महिंद्रा टेक वाले और रोटरी क्लब वालों और एनजीओ वालों ने इन्होंने आप एक तरह से ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, काश सरकार भी हमारे लिए कुछ ऐसा करती है ना। जी सर, यही उम्मीद लगा के बैठे थे मगर सरकार इस उम्मीदों के विपरीत हमें नज़र आई। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार, चलो लॉकडाउन में हमारी मदद नहीं कर पाई मगर जो अब ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है इसमें कुलियों को ग्रुप डी दी जाए, ऑल इंडिया कुलियों की तरफ से मैं आह्वान कर रहा हूँ। उसके बाद कम से कम हमारे लोगों को अपने प्रोमिस करके, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन करे चाहे कुलियों को बिल्कुल ख़त्म कर दें, सवारियों को सब फैसिलिटी मिलती है लेकिन हमको तो जो भी इनकम देती है सवारी दे के जाती है जी, आम पब्लिक दे के जाती है, हमारे को जिलाने के लिए मरने के लिए पब्लिक जिम्मेवार है, पब्लिक हमें सहारा देती है। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ अपना कोटा पूरा कर रखा है जी, हमने कुली यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स जमा करके जो भाई इसकी जवाबदायक हम हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई सुविधा नहीं देती। अच्छा, है बिल्ला दे के छोड़ दिया, बिल्ला जो मर्जी करें, हाँ इसकी जवाबदायक हम है, इतना जानती है रेल से भाई, इसकी जवाबदायक हम है, चाहे वो जिए कुली चाहे मरे इससे हमें को कोई मतलब नहीं है जी। अब प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं तो पब्लिक से पैसा हमारा रुक जाएगा, पब्लिक हमसे नहीं उठ पाएगी, वो तो सारी सुविधा गवर्नमेंट जो सुविधा देने चाहते पब्लिक को मैं उससे खुश हूँ, लेकिन अब जो हमको जो भर्ती करके आपने यहाँ पे रख दिया है, अब तो ना आप हमें जीने दे रहे हो ना आप हमें मरने दे रहे हो, अब यहाँ से हम छोड़ के जाएंगे हमको बाहर काम नहीं मिल रहा है, हम आधीन हो गए यहाँ के काम के, अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, सरकार से हम ये जानना चाहते हैं। जाए तो जाए कहाँ, बहुत बढ़िया बात करी, क्या कह रहे हैं? 45 साल और 50 साल के बंदे हो गए, कितने बंदे हमारे 60 के ऊपर है, तो वो कहाँ जाएंगे सर, कहाँ काम मिलेगा उसको, तो सोचने वाली बात है कहाँ काम मिलेगा, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, आपने ये बात जी बिल्कुल सर, क्या करेंगे बताइए, बाहर अब इस उम्र में हम बाहर काम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आपने हमारे टाइम हमने इतने काट दिए, अब हम क्या जाएँ, अब जवाब आप हमें दीजिए, आप पब्लिक को सुविधा दे रहे हैं, हम इससे ऐतराज़ नहीं करते, लिफ्ट लग गया, एक्सीलेटर लग गया, व्हील ट्रॉली आ गई है, सब कुछ आ गया है, इससे पहले व्हील चेयर व्हील ट्रॉली नहीं था, सवारी के पास जो सामान होते थे हम लोग कमाते खाते थे, लिफ्ट नहीं था तभी, उससे भी हमको अभी ये कह रहे हैं मॉडर्न ज़माना आ गया और ये लिफ्टें लगी हैं और ये सब लग गया तो हमारा काम ही खत्म, वैसे ही काम खत्म, उसका बचा कुचा जो काम था वो आपने प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप तो बिना मारे ही हमको मार रहे हैं, आप तलवार भी नहीं चला रहे और आप हमारी गर्दन भी काट रहे हैं, आपका तो आप या तो फिर हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमको कहीं पे लगा के डीग्रेड दीजिए आप हमारे को, या हमारे बच्चे हमारे इंश्योरेंस कीजिए ना, आप हमारे को मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं, कल को हमारे को कुछ हो जाता है तो भी हमारी जिम्मेवारी होती है, बच्चे भूखे मरते तभी भी हमारी जिम्मेवारी है, हम कमाएँ ना कमाएँ क्या करें, आप हमारे को वित्तीय कोई सहायता नहीं करते हैं, फिर भी आप ना आप कोई फाइनेंशियल सहायता करते, फिर भी आप हमारे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हम कहाँ जाएँ। तो ये थे खुली हमारे साथ जिन्होंने अपनी समस्याएं जाहिर की, वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ में अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर टीवी चंडीगढ़।